जो भीड़ आप देख रहे हैं, लगभग 60 से 70 हजार की संख्या में अलग अलग संगठन के लोग मोराबादी से लेकर पूरा कचहरी जाम कर चुके हैं। इनकी मांग है कि इनका जो डिमांड है वो है कि इनको समायोजित किया जाए या इनका मानदेय बढ़ाया जाए। अभी आप देख रहे हैं सैया को, स्वास्थ्य सैया से लेके जल सैया तक के लोग हैं। क्या आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोगों का डिमांड है कि सैया को 18,000 जो कि हम लोगों को 2,000 प्रोत्साहन जो दे रहा है, हम लोगों को प्रोत्साहन नहीं चाहिए, हम लोगों को मानदेय दिया जाए, हम लोगों को 18,000 मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम सही। अभी सरकार कितना देती है आपको? हम लोग को जो है ना 2,000 रुपया जो दिया जाता है वो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, मानदेय नहीं दिया जाता है, मानदेय नहीं दिया जाता। और हम लोगों से 24 घंटा काम हम लोगों से लिया जाता है, हर चीज में हम लोग को काम लिया जाता है। क्या क्या काम है? हम लोग काम है जैसे कि डिलीवरी, जैसे शुरू से लेकर के अंत तक डिलीवरी करवाना, उसके बाद फिर बच्चा को 9-3 साल तक फिर बच्चे के साथ में हम लोग को रहना पड़ता है। जब उसके पीछे रहिए, उसको 2 साल तक बच्चा बुतरू ना हो, उसमें अंतर रखने के लिए उसको समझाइए, एनी टाइम समझाना पड़ता है, बार बार 5 साल तक बच्चे को। शादी हुआ, औरत प्रेग्नेंट हुई या फिर बच्चा 5 साल तक हुआ, तब तक आप लोग, तब तक हम लोग उसका सेवा करते हैं, तब तक हम लोग सेवा करते हैं। और आज सवाल कि हम लोग को ड्यू लिस्ट नहीं चाहिए, हम लोग को महीना वाला नहीं चाहिए, हम लोग को गिरिवर्मन का नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय दिया जाए 18,000 रुपया। सरकार, आप लोग की संख्या तो बहुत ज्यादा है, कितनी है संख्या? 40,000 हमारे झारखंड में है, पूरे झारखंड में 40। सरकार कहेगी कहाँ से पैसा लाए, 40,000 2,000 देते हैं, सीधा 18,000 मांग रहे हैं। हमारा कार्य ही ऐसा ही है कि जिसके वजह से हम लोग, हमारा कार्य ही ऐसा है कि 24 घंटा हम लोग वर्क करते हैं, हमारे कार्य पर कोई भी ध्यान ही भी नहीं दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि के नाम पर एक शोषण हमारे साथ हो रहा है। हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं, ना बच्चों को देखते हैं ना अपने परिवार को देखते हैं, लेकिन हम अपने समाज के लोगों को देख रहे हैं। आज स्वस्थ अगर लोग हैं गांव में तो हमारी वजह से आज है। हर एक घर में जा करके हम लोग मिलते हैं उनको, हर एक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। और आज सरकार जब इतना बड़ा काम कर रही है तो आज हमारे वजह से काम कर रही है। आप लोग पहले भी जब आंदोलन किए थे तो आपका वार्ता हुआ था ना, आश्वासन मिला था आप लोगों को, फिर आज क्या वजह हुआ इतनी संख्या में आ गए आप लोग? आज कारण ये है कि आज अस्थायीकरण किया जा रहा है सभी लोगों को, और आज हमारे अस्थायीकरण पर कोई रुझान नहीं दिख रहा सरकार की, तो हम चाहते हैं कि हमारे जाए जितनी भी सहिया हैं सभी को अस्थायीकरण किया जाए और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी किया जाए, हमारे 18,000 की जो हमारी मानदेय है वो हमें दिया जाए, जिस तरह से हम इसे खा और ये लेते हैं उस तरह से हमारे पेमेंट होना चाहिए। जल सैया लोग भी आए हैं, पूरा रांची का ट्रैफिक व्यवस्था देखिए जाम हो गया है। जी जाम तो होगा ही, क्योंकि जब हम पूरी कर देखिए कभी भी कोई भी आवाज क्यों उठता है, जब उसके ऊपर शोषण होता है तभी आवाज उठता है। इतना दिनों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, 2006 से कार्य कर रहे हैं, 15 साल लगभग हो गया, आज हम लोग स्टेट में क्यों पहुंचे? क्योंकि हमारे ऊपर लगा हमें कि शोषण हो रहा है। कोई ऐसा स्टेट है जहां आप लोगों को अस्थाई कर दिया गया हो या मानदेय 18,000 है, कोई है ऐसा आपकी नजर? अभी तो हम झारखंड से स्टार्ट किए हैं, आगे चल करके हो सकता है कि पूरा सभी जगह हो जाएगा। हमारा प्रयास जो है हमारे झारखंड के लिए वो आगे चल करके जरूर सफल होने वाला है। सरकार को आप लोग कुछ समय देंगी कि जिद पे हैं आर पार? समय दे चुके हैं, अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, हम 2007 से हम लोग खट रहे हैं, 2007 से ही, तो समय तो दिए हुए हैं, समय तो दिए हुए हैं, हम लोग सरकार को देंगे, समय तो दिए हुए हैं, लेकिन सैया का काम का कोई मिनट समय होता है, इसके बावजूद भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, हम लोग को जब भी कोई काम में बुलाता है हम लोग जाते हैं। सरकार तो कहती है कि कैसे जब बच्चा डिलीवरी होता है तो 600 रुपया देते हैं, फिर कैसे कैसे बात जोड़ाती है, भले ही प्रोत्साहन राशि के नाम पर बहुत सारा अमाउंट दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को सही तरीके से नहीं पेमेंट हो पाता है, जिसके वजह से हमारे लगता है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। कोरोना काल में भी सब अपने अपने घर में रहते थे और हम सैया पहने, हम लोग टीका दिलवाए, लेकिन
देखिए कोरोना काल में सारे लोग घर में बंद थे, लेकिन हम फील्ड में मैदान में थे योद्धा के तरह, और पीपी किट पहन करके 24 घंटा हम लोग वर्क किए हैं, जांच किए, इंजेक्शन दिलवाए, टीका दिलवाए सारे लोगों को। इतना तक भी हम अपने परिवार से दूर रहने लगे थे, जब तक हम पीपी किट पहन के जाँच करते थे तब तक अपने परिवार से थोड़ा दूर रहते थे कि कहीं हमें भी इन्फेक्शन ना हो जाए, मेरे परिवार को भी इन्फेक्शन ना हो जाए। वैसे ही स्थिति में हम लोगों ने काम किया, लेकिन उनका एक रुपया भी हम लोग नहीं जानते। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम सारे कर्मचारियों का एक एक करके समाधान कर रहे हैं या डिमांड पे सोच रहे हैं, तो इस तरीके से दबाव बनाना क्या आपको लगता है उचित है? हम लोग दबाव नहीं बना रहे हैं, जो हमारा हकीकत है, जो हम जिस तरह से वर्क हम लोग करते हैं उसी के को जिस तरह से एक मिनट रुके ना, जितना अधिकार मांग रहे हैं, जिस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग पेमेंट का डिमांड कर रहे हैं। अभी जाइए तो देखिए किसी मजदूर का जो पेमेंट है उसके हिसाब से भी हमारा पेमेंट नहीं है। देखिए इनमें काफी आक्रोश है, कह रही है 15 साल से अधिक 2000 रुपए पे सरकार कहती है और वो भी प्रोत्साहन के तौर पे मिलता है। हमारा तो डिमांड है कि सिर्फ मानदेय दिया जाए वो 18,000, क्योंकि 24 घंटे का ड्यूटी है, सरकार हर काम कराती है, चाहे वो कोविड का हो या कोई भी स्वास्थ्य आपदा या सर्वे तमाम लोग, तो कह रहे हमारा काम 24 घंटा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए आज हमारा अधीर हुए हैं और पूरा रांची राजधानी अस्त व्यस्त हो चुका है इनकी भीड़ से। प्रशासन की ओर से इनको समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है इतने संख्या में जो भीड़ आई है उनको कहाँ बिठाया जाए या कहाँ केंद्रित किया जाए। हालांकि रांची के मोराबादी मैदान में इनको रखा गया, आए थे, इकट्ठा हुए थे, वहाँ से एकत्रित होकर ये लोग राजभवन और कचहरी चौक की ओर आए, पुलिस ने इनको डाइवर्ट किया फिर से एक बार मोराबादी की ओर, लेकिन अभी पूरी तरीके से एकदम जाम हो चुका है, चारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। दरअसल ये इनका कहना है कि यह हमारा डिमांड है, आम जो जनता यहाँ की रांची की है वो त्रस्त है, अब सरकार को निर्णय लेना है कि इनके जो मांग है उस पर क्या विचार करती है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in